जैसे दोस्तों आज हम जा रहे हैं अंजार कादर साहब बापू की मजार शरीफ पे। तो अभी हम रुके हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, यहाँ पे अकबर गया है पेट्रोल भरवाने के लिए। तो साथ में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इमरान जेड़ा। अभी हम अंजार पहुंच चुके हैं, मैं और अकबर, और साथ में है ये कौन है जानते हैं, इमरान जेड़ा और अब्दुल मौलाना अब्दुल रजा। इन दोनों का भी चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साजिद भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और इनको सपोर्ट कीजिए। पिछले 3 साल इन भाई साहब को इन्होंने पेमेंट नहीं दिया है। अभी मेरे पास पैसा मिल जाएगा सर। वालेकुम सलाम रज्जू खान, यहाँ पे अरे अमेरिका में आया सीन। साजिद भाई आप देखिए कितने फेमस है, यहाँ पर इनके फॉलोअर्स मिल गए। हाँ क्या क्या ये अमेरिका आ रहे हैं तो चाय चाय दीदी। कैमरे में अच्छी भी दे रहा है। तो फाइनली गाइस हम मीठी रोहर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ एजे और इमरान भाई जेड़ा है। तो अभी हम चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर, आपको थोड़ा दिखाते हैं, ब्लॉग बना रहे हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं थोड़ा अंदर, दरगाह का पूरा नज़ारा।
अभी हम जहाँ पे मौजूद है यहाँ पे अब्दुल कादिर बापू आराम फरमाते थे और ये उनकी बैठक कहलाई जाती है। तो चलिए आपको वहाँ यहाँ अंदर का कुछ नज़ारा दिखा दें। चलिए सब दीवाने बापू बैठक के लिए अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं मीठी रोहर में पीर अब्दुल कादिर साहब बापू की मजार शरीफ पे। जिस तरह आप सब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा नज़ारा, तो यहाँ के बारे में कुछ ज़रूरी बातें आज हम सुनेंगे एकदम डिटेल वाइज, और उसमें हमारी मदद करेंगे हमारे मौलाना साहब अब्दुल रजाक साहब। तो चलिए कुछ सुनते हैं उनके शब्दों में यहाँ की यहाँ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रजाक बरकाती और आज मैं आया हूं कच्छ के एक मज़ूब वली कामिल हज़रत पीर सैयद अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, जिनका नाम आपने सुना होगा और जिनको लगभग शायद सब लोग कच्छ के अलावा, कच्छ वाले तो जानते ही हैं, कच्छ के अलावा भी बहुत सारे लोग इनको जानते हैं पहचानते हैं। और जब ये बुजुर्ग हयात थे तब इनकी बारगाह में कच्छ से बाहर से भी लोग इनकी बारगाह में आते थे इनका नाम सुन के, और ये बुजुर्ग बहुत ही इनकी जो है करामतें जाहिर हुई थी इनके हाथ से या इनकी जबान से। और एक बड़ी इनकी करामत ये है, हजरत पीर सैयद अब्दुल कादिर बापू, जिनको कच्छ में अब्दुल बापू भी कहा जाता है और कच्छ के मस्तान भी कहा जाता है, तो इनकी एक बड़ी करामत यह है कि इन्होंने एक मरी हुई गाय को जिंदा किया था। ये तो सब जानते हैं कि गाय जो मर गई थी उसको अब्दुल कादिर बापू रहमतुल्लाह अलैह ने पानी भर के फिर अपने हाथ से इस पानी को उस गाय के ऊपर छिड़का, तो ये आपकी करामत है कि आपने पानी उसके ऊपर छिड़का तो अल्लाह ताला के करम से वो गाय जिंदा हो गई और ये आपकी एक करामत जो जाहिर हुई। इसके बाद आप बहुत मशहूर हो गए और लोग मुस्लिम और गैर मुस्लिम भी आपकी बारगाह में आने लगे, और आपकी बहुत सारी करामतें थी कि अगर कोई भी जैसा भी मरीज हो, कोई भी बड़ी बीमारी वाला हो, आपकी बारगाह में आता था, आप अगर उसे चाय पिलाते थे तो भी उसको शिफा मिल जाती थी। और बड़े से बड़ा कैंसर, मैंने तो इनकी बारगाह में बार बार मेरा आना हुआ है इनकी हयाती में, अभी तो ये पर्दा कर गए हैं, इनकी हयाती में मैं बार बार ये मुझे नसीब जो कोई हासिल हुआ कि मैं इनकी बारगाह में आता था, तो मैंने सुना है और देखा भी है कि ऐसे कैंसर के मरीज जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब इलाज नहीं है इनको घर लेके जाओ, ऐसे मरीज जब बापू की बारगाह में आए और उन्होंने आस लगाई उम्मीद लगाई तो बापू की दर से ऐसे कैंसर के मरीजों को जिनका कोई इलाज न था बापू ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनको भी शिफा अता फरमाई। यानी ये भी आपकी करामत है कि ऐसे ऐसे मरीज आपकी बारगाह में आते थे और अल्लाह ताला आपकी दुआ से जो है उनको शिफा अता फरमाता, तो ये आपकी करामतें हैं। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी आए इनकी बारगाह में, इनकी मजार पर आए और फातिहा दुरूद करें, और जो भी मांगेंगे तो अल्लाह ताला इनके सदके में जरूर हमारी भी आपकी भी दुआओं कबूल फरमाएगा। ये एक मज़ज़ूब सिफत वली है। अस्सलामु अलैकुम, और इस चैनल को आप जो देख रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी मालूमात आपको दीन के बारे में मिलती रहेगी। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे गांधीधाम गढ़पादर हाईवे पे जो दरगाह है वे पीर इब्राहिम शाह की एयरपोर्ट के पास, और मेरे साथ में है मेरे साथी कलाकार और ब्लॉगर इमरान जेड़ा और हमारे प्यारे मौलाना साहब अब्दुल रजाक साहब। अभी हम एंटर हो रहे हैं दरगाह शरीफ के अंदर और ये है हजरत पीर इब्राहिम शाह वली की मजार शरीफ। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया यहाँ पे माहौल है, और मज़ार शरीफ खास करके जहाँ भी होती है अल्लाह का घर होता है वहाँ पे जाके दिल को एक सुकून मिलता है। मैं ज़्यादातर मज़ारों पे जाया करता हूँ और घंटों वहाँ बिताया करता हूँ क्योंकि एक सुकून मिलता है दिल को।
अभी हम इब्राहिम शाह पीर की दरगाह पे मौजूद है। अभी आपको मेरा आवाज़ काफ़ी कम सुनाई दे रहा होगा और यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हो जिस तरह से काफ़ी ज़ोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। यहाँ पे देखिए थोड़ा पानी पानी आ चुका है।